हेलो गाइस, वेलकम बैक। सो आज जो दिखाने वाला हूँ ये एक बोर्ड है। इसका तीन स्विच है, एक सॉकेट है, एक फ्यूज़ है और एक इसका फ़ैन का रेगुलेटर है। तो इसका जो भी वायरिंग होता है, ये पीछे इसका जो कनेक्शन होता है, वही आज हम आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले ये जो फ्यूज़ है, हम लोग क्या करते हैं, ये फ्यूज़ का ऊपर में नीचे फेज इनपुट देते हैं, लेकिन इधर मैं नीचे से आउटपुट निकालूंगा, क्योंकि इधर ये जो बोर्ड है इसे हमको काम करने में आसानी होगी। तो इसलिए हमको ये नीचे से इसका आउटपुट निकालेंगे, ठीक है। तो ये नीचे से ये फेज का मैं कनेक्शन करता हूँ। उसके बाद ये स्विच का जो नीचे इनपुट होता है, ये नीचे इसका इनपुट दे देंगे पैरेलली। इसका थोड़ा सा ट्विस्ट होगा, और देन इससे पैरेलली इसको कनेक्ट करते हैं। देन आप इसको टाइट कर दो। तो क्या होगा, ये जो फ्यूज़ का ये जो इनपुट होगा, इनपुट से इधर इसको फ्यूज़ को कनेक्ट होने में ये जो केबल है फ्यूज़ है, ये इसको कनेक्ट कर देगा। तो फिर ये इनपुट होने के बाद ये जो आउटपुट होगा, ये आउटपुट फ्यूज़ का आउटपुट ये स्विच के इनपुट में जाएगा। उसके बाद फिर हमारे पास ये एक स्विच है, इसको हम कनेक्शन कर देते हैं। सेम पैरेलली कनेक्शन होगा, ये छोटा छोटा वायर मैंने पहले ही इसको काट के रख दिया था। तो ये इसके अंदर पैरेलली हम लोग कनेक्शन करते हैं। ये स्विच जो होता है, इसका इनपुट वाला कनेक्शन ये वाला पैरेलली होता है, लेकिन याद रखना कि स्विच हमेशा शीर्ष पे ही कनेक्शन होता है। तो ये इसके हो गया। फिर हम क्या करेंगे, सेम प्रोसेस, तो ये इसको कनेक्शन हो गया। और ये जो हमारा सॉकेट है, सॉकेट पे हमको क्या चाहिए, एक फेस चाहिए और एक नीचे गलत कनेक्शन किया, गलत किया है। ये जो स्विच है, ये स्विच हमारा सॉकेट से कनेक्ट होगा। तो इसको खोल देते हैं। तो ये जो स्विच है, ये स्विच इसका सॉकेट से होगा। तो क्या होगा, स्विच का जो आउटपुट है, तो आउटपुट से हम इसको लाइन देंगे। सो ये जो सॉकेट है, ये सॉकेट इस स्विच से कंट्रोल होगा। तो इसलिए हमको क्या करना होता है, ये जो स्विच का आउटपुट है, तो इससे ये सॉकेट का सप्लाई मिलना चाहिए। तो इसलिए हम क्या करेंगे, ये जो स्विच का आउटपुट है, इससे हम सॉकेट को कनेक्शन देते हैं, ठीक है। तो ये सॉकेट का फेज है, तो इधर इसको कनेक्शन कर देते हैं। ये थोड़ा सा बाहर चला गया, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अब इसको ये सॉकेट चलने के लिए इसको क्या चाहिए, और एक न्यूट्रल चाहिए। तो जो भी हमारा सप्लाई होगा, फेज न्यूट्रल, फेज तो यहाँ पे इनपुट होगा, और न्यूट्रल के साथ ये लोड का जो भी न्यूट्रल होगा, वो न्यूट्रल के साथ कनेक्ट होगा। और इसका जो एक न्यूट्रल चाहिए, वो भी उस न्यूट्रल से कनेक्ट कर देते हैं। अब देखो, ये जो फैन का स्विच है, ये फैन का स्विच, इसको रेगुलेटर कनेक्शन होगा। तो रेगुलेटर का एक टर्मिनल क्या होगा, ये जो फैन का स्विच होगा, उसका आउटपुट से कनेक्ट होगा, ठीक है। मतलब जब स्विच ऑन करेंगे, तभी रेगुलेटर पे सप्लाई हमारा जाना चाहिए। तो इसलिए इसको ये स्विच से कनेक्ट करते हैं। और एक जो ये जो एक दूसरा वायर है, ये हमारा जो फैन का जो फेज वायर होगा, उसके साथ कनेक्ट होगा। सो
इसका जो ये सॉकेट का ये इधर से जो फेज़ आया या स्विच का जो भी आउटपुट है, तो इसको तो ये सॉकेट को और भी कनेक्शन देने के लिए इसको तो चलने के लिए न्यूट्रल चाहिए। तो न्यूट्रल आया हमने यहाँ से लिया है, ये सॉकेट का लेफ्ट साइड है। अगर इसको हमने घुमा दिया तो ये राइट होगा, ये लेफ्ट होगा, ये उल्टा है इसलिए इसको राइट आ रहा है। तो ये इसका लेफ्ट है, तो इधर से न्यूट्रल आया और ये जो फ्यूज़ है इसका अंदर ये इनपुट होगा, इधर से आउटपुट, आउटपुट आके ये स्विच का सब नीचे वाला टर्मिनल में सब कुछ ये क्या हो गया, इनपुट हो गया। और ये जो स्विच है इसका स्पेसिफिकेशन है 6 एम्पियर 240 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज, ये ऑन ऑफ स्विच है। और ये रेगुलेटर है 6 एम्पियर का 240 वोल्ट। ओके, थैंक यू।